मध्य प्रदेश खरगोन के बड़वा स्थित नर्मदा तट पर वर्षों से चले आ रहे अवैध रेत उत्खनन पर स्थानीय प्रशासन के SDM मिलिंद ढोके ने खनिज अधिनियम के तहत एक दिन पूर्व पकड़े गए एक डंपर और 8 ट्रैक्टरों पर रॉयल्टी से 25 से 35 गुना दंड किया है। SDM मिलिंद ढोके ने बताया कि क्षेत्र में रेत उत्खनन या रेत के परिवहन करते हुए पाए गए वाहनों पर पहली बार रॉयल्टी का 25 गुना और दूसरी बार 35 गुना और तीसरी और चौथी बार में 45 से 65 गुना दंड होगा। इसके बाद वाहन पर राजसात करने की कार्यवाही भी होगी। SDM की इस कार्यवाही से अवैध रेत माफियाओं में हड़कंप मच गया है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। जो अभी कार्रवाई की गई थी बड़वा क्षेत्र में, उसमें जो 8 ट्रैक्टर और एक डंफर था उन पर कार्रवाई की गई, जो खनिज विभाग द्वारा जो सर्कुलर में उनकी रॉयल्टी के 25 गुना 35 गुना जो रॉयल्टी है उस हिसाब से कार्रवाई की गई है और उन पर दंडारोपित किया गया है। अगर दोबारा पकड़ाए जाते हैं यही तो उन पर रॉयल्टी से 35 गुना दंडारोपित किया जाएगा। 60 गुना के बाद सर? 60 गुना के बाद राजसात करने का प्रावधान है, राजसात किया जाएगा। संशोधन हुए हैं रेत नीति में। अभी जो अवैध उत्खनन कर रहे हैं इसके खिलाफ जरूर कार्रवाई की जा रही है, कार्रवाई सतत की जाएगी। नर्मदा किनारे से लोग अवैध रूप से रेत निकालते रहे, पहले शिकायत आती रही, अब सतत कार्रवाई कर रही। कल भी 9 ट्रैक्टर 2 डंपर पकड़े थे और ये कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। नहीं, अभी मध्य प्रदेश गौण खनिज अधिनियम में जो संशोधन हुआ 53(6) में, इसमें रॉयल्टी जो खनिज की रहती है उससे पहली बार अगर पकड़ाता है कोई अवैध उत्खनन करता तो 25 गुना उससे पेनल्टी की जाती है, सेकेंड टाइम में 35, फिर 45 और फिर 65, इस टाइप के प्रावधान है। नहीं, जो व्यक्ति 3 बार 4 बार पकड़ाएगा तो उसका फिर वाहन भी जब्त कर